सो गाइज आ चुकी है यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो, सच में यूजफुल वीडियो है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैनल कीवर्ड्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपका चैनल सर्च में आने में प्रॉब्लम होती है तो अब नहीं होगी, ये वीडियो देखने के बाद आपका चैनल एक दो दिन में ही सर्च में आने लगेगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है यूट्यूबर्स के लिए, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप पर। क्या आप भी टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं? अगर इसका जवाब है हाँ, तो अभी कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए ऑल पर सिलेक्ट, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी सीख पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज हम यहाँ पर है क्रोम डेस्कटॉप एंड यूट्यूब की यूट्यूब स्टूडियो में हैं हम। तो अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से जाया जाता है, तो फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब सीरीज की, उसमें आपको अच्छे से बताया गया है। बार बार अगर हम बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो में स्वाइपिंग करते जाना है। लास्ट में एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो सेटिंग्स पे हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आपको चैनल टैब पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर भी दो टैब है, बेसिक इन्फो और एडवांस सेटिंग। फिलहाल आज हम बेसिक इन्फो के बारे में जानते हैं। यहाँ से आप नाम वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया या जो भी है। अब यहाँ पर आते हैं कीवर्ड। सबसे पहले कीवर्ड समझ लीजिए होता क्या है। दोस्तों आपके चैनल को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। ऐसा ही नहीं है जो आपके चैनल का नाम है उसी तरीके से सर्च करते हैं। कोई मिसी स्पेल से भी सर्च करते हैं, यानी कि अगर स्पेलिंग मान लो गलत करके सर्च करता है, या कोई बिना स्पेस के सर्च करता है, या कोई अच्छी तरह से भी सर्च करता है आपके चैनल के नाम को। तो अब आपको कीवर्ड्स में आप ही के चैनल का नाम लिखना है बहुत घुमा फिरा कर। जैसे इसका नाम है टेक इन शॉर्ट, एक तो आप लिख दीजिए टेक इन शॉर्ट, फिर बिना स्पेस के टेक इन शॉर्ट, फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म, फिर मतलब मिस स्पेल करके आप अपने चैनल का नाम चार पांच तरह से लिख लीजिए। आपको मैंने लिखना किस तरह से ये बता दिया है। अपने चैनल का नाम, फिर बिना स्पेस के, फिर शॉर्ट फॉर्म, फिर मिस स्पेल कर लीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको लिखना है आपके चैनल के ऊपर किस तरह की वीडियोज़ आती हैं। जैसे अगर आप ऐप रिव्यूज़ बनाते हो तो ऐप रिव्यूज़ ये सब डाल दीजिए। यानी कि कीवर्ड्स में आपको वो सब डालना होता है जिससे रिलेटेड आपका चैनल है, और अपने चैनल के नाम को मिस स्पेल करके डालना होता है। तो अभी हम कीवर्ड्स को डालकर आपसे बात करेंगे और दिखाएंगे हमने कीवर्ड्स को किस तरह से डाला है। गाइज यहाँ पर हमने कीवर्ड्स 6 कीवर्ड्स लिख लिए हैं। आपको भी इतने लिखने हैं, 4 अपने चैनल के नाम के अलग अलग करके जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरे 2 आप किस चैनल इस चैनल पे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो इससे 8 से ज़्यादा कीवर्ड्स ना लिखिएगा, स्पैमिंग हो जाएगी। तो दिखाते हैं हम आपको। अब देखते हैं पर कीवर्ड्स, और यहाँ से आप क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिट बॉक्स खुल जाएगा। सबसे पहला है टेक इन शॉर्ट। सबसे पहले तो आपको आपके चैनल का नाम ही लिखना है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टेक इन शॉर्ट, बिल्कुल सही लिखना है। दूसरा अब दूसरा है टेक इन शॉर्ट, बहुत स्पीड में बोल रहा है, इसमें एक भी स्पेस नहीं है। बिना स्पेस के मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो आपको भी दूसरे में अपने चैनल का नाम लिखना है बिना स्पेस के। अब ये टिस, ये जो बोल रहा है ये TIS, यानी कि टी से टेक, आई से इन, एस से शॉर्ट। तो अगर आपके चैनल की जो भी फुल फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने टिस लिख दिया, TIS, ये ऐसे बोल रहा है बट ये है TIS, हमारे चैनल की शॉर्ट फॉर्म। तो जो भी आपके चैनल की शॉर्ट फॉर्म बने वो आप लिख लीजिए। अब ये मिस स्पेल है टेक इन शॉर्ट, किस तरह से बोल रहा है, इसमें स्पेलिंग है TEC। कुछ लोग जो है टेक को TEC भी लिखते हैं, तो इसमें है टेक, उसके बाद स्पेस IN, स्पेस SHORT, आर है ही नहीं इसमें। तो कुछ लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको चार पांच तरह से जो है अपने चैनल का लिख लेना है नेम, जिस तरह से लोग सर्च करते हैं। आगे है अब इस चैनल पर क्या आता है, शॉर्ट वीडियोज आती है, तो मैंने शॉर्ट वीडियोज डाल दिया है।
ताकि अगर कोई शॉर्ट वीडियो सर्च करे तो कहीं इधर उधर बहुत लेट कहीं भी चैनल मिल जाएगा, अगर फिल्टर लगा के ढूंढेगा तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब जो वीडियोस है वो यूजफुल भी होती हैं, तो भैया यूजफुल भी अगर कोई सर्च करेगा यूजफुल वीडियोस तो फिल्टर लगा के मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखे, आप जो है यहाँ से दो तीन और लिख सकते हैं, दो ही और लिखेगा, ज्यादा नहीं लिखने। उसके बाद डिलीट ऑल कर सकते हैं आप, डायरेक्ट डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद आपको पब्लिश पर भी क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक अभी मिल नहीं रहा है पब्लिश, तो आपको जहाँ भी पब्लिश मिले, आपको पता ही है कहाँ मिलता है, पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो आपको सबसे पहले सेव पे क्लिक करना है, फिर पब्लिश पे क्लिक करना है, फिर आपकी जो है कीवर्ड्स अपडेट हो जाएंगे एक दिन बाद। ये डायरेक्ट अपडेट नहीं होते हैं, बस आपको वहाँ पर दिखते हैं लेकिन डायरेक्ट अपडेट नहीं होते हैं, मतलब YouTube की तरफ से अपडेट होने में से कम एक दिन का समय लगता है। 3 बजे के बाद ही अपलोड हो जाते हैं, दोपहर के बाद, जब YouTube का एल्गोरिदम अपडेट होता है, एनालिटिक्स अपडेट होता है। तो ये जो है आपको आपके चैनल को सर्च में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी तो इस चैनल पर मैंने पहली बार कीवर्ड्स डाले, अभी आप मेरे चैनल देखेंगे सर्च में आता ही नहीं है टैग इन शॉर्ट वाला, लेकिन अब आप 2-3 दिन बाद देखिएगा चैनल सर्च में आने लगेगा। तो अगर आपका चैनल भी सर्च में नहीं आ रहा है तो बहुत ही यूजफुल चीज़ें हो सकती हैं, अगर आ रहा है तब भी आपको कीवर्ड ज़रूर लगाने हैं। तो इसी तरह से आप जो है अपने चैनल के लिए कीवर्ड्स लगा सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।